रोहा माध्यमिक विद्यालय में 10 जुलाई से असम सरकार सांस्कृतिक परिक्रमा विभाग के तत्वावधान और शिशु अनुष्ठान अकनिर कविता घर असम केंद्रीय समिति रोहा के संचालन में चल रहे 15 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रीष्मकालीन कार्यशाला के सप्तम दिन प्राय 120 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, स्वागत करता हूँ। मैं वर्तमान उपस्थित हूँ रोहा माध्यमिक विद्यालय में और गत 10 जुलाई से सांस्कृतिक परिक्रमा विभाग असम सरकार के तत्वाधान तथा 1994 की 1 जनवरी को स्थापित शिशु अनुष्ठान अकनी कविता घर असम केंद्रीय समिति रोहा के सहयोग में यहाँ पे अनुष्ठित आर्ट एंड क्राफ्ट कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जा रहा। आज मैं यहाँ का एक परिवेश दिखाने का चेष्टा करूँगा। मेरे सतीत्य को इसके यहाँ का परिवेश दिखाने का अनुरोध करता हूँ। माइंडली 365 के दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे रोहा के विभिन्न प्रांत से आए नन्हे मुन्ने बच्चे को यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे कई शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हैंडी शिक्षक के दर्शक देख रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों ने कागज के काट के यहाँ पे आर्ट बनाया जा रहा है। अब हैंडी शिक्षक के दर्शक देख रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट का यह प्रशिक्षण कार्यशाला शिविर आगामी 25 जुलाई तक चलता रहेगा। आज कार्यशाला के 14वें दिन रोहा के भिन्न प्रांत के प्राय 120 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है और मेरे पास साथ उपस्थित है अकनी कविता घर असम शिशु अनुष्ठान अकनी कविता घर के प्रधान सचिव रोंटू मुदर। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। गत 10 जुलाई से यहाँ पे कार्यशाला चल रहा है। ये रोहा का MBA स्कूल है। ये स्कूल से गत 10 जुलाई से 24 जुलाई तक असम सरकार की सांस्कृतिक परिक्रमा विभाग द्वारा जो हर समष्टि में एक कर्मशाला आयोजन किया था, रोहा समष्टि में हम लोग अकनीर कविता घर असम के तरफ से ये कर्मशाला परिचालन कर रहा हूँ। आज 7वां दिन आर्ट एंड क्राफ्ट का विषय लेकर अब तक बहुत सारी विषय अब तक छात्रों ने शिक्षा लिया है। आज आप लोग के मैंने मेन क्या चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आज तो पेपर कट और पॉट डिजाइन का प्रशिक्षण दे रहा है। आप लोग अकनी कविता घर का हम लोग सुन रहे हैं ये 30 वर्षों से लगातार बहुत काम करते आ रहे हैं। 1994 की 1 जनवरी को स्थापित हुआ जी। तो आप लोग ऐसे प्रत्येक रविवार को क्या क्या प्रशिक्षण देते हैं? हम लोग 30 वर्ष हो गया, हर साल में नया नया कार्यक्रम कर रहा हूँ। हर साल में वो कार्यक्रम हमारा जो प्रतिष्ठा दिवस है वो प्रतिष्ठा दिवस का असम भित्तिक ये कार्यक्रम कर रहा हूँ हर साल में। हाँ, और हर संडे यहाँ नया प्रजन्म को नया नया विषय लेकर हम लोग प्रशिक्षण दे रहा हूँ हर संडे। और म्यूजिक स्किल भी है हमारा, उसमें भरतनाट्यम, सत्रीय नृत्य, खोल वाद्य, तबला, गिटार और भोकेल का जो संगीत का जो भोकेल ये सारी लेकर चित्रकला भी इसमें शामिल है। ये सब कुछ सीखा रहा हूँ हमारा स्कूल में। धन्यवाद। देख रहे हैं ये जो शिशु अनुष्ठान है ये गत 30 वर्षों से नन्हे रोहा के विभिन्न बच्चों के बीच विभिन्न शिक्षाएं देते आ रहे हैं, जैसे भरतनाट्यम, सत्रिया नृत्य सहित सत्रिया नृत्य, भरतनाट्यम, आर्ट, तबला आदि विभिन्न प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। और मेरे साथ उपस्थित है इन्हीं के अभिभावक
स्कूल के मैं उनसे जाना हूँ, आप लोग कैसा लगा यहाँ पे? जी मैं पहले INDT 6 PEP को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे बीच में आए और ये जो अभी गर्मिया की छुट्टी चल रहा है बच्चों की, तो ये गर्मिया की छुट्टी में बच्चे लोग ये जो सीख रहे हैं, नया नया जो भी कुछ सीख रहा है, वो अगले दिन में उन लोगों को बहुत काम आएगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ आए और ये जो बच्चों का रोहा में अपनी कविता घर के द्वारा एवं असम सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम से हो रहा है, वो सभी को दिखाने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हूँ। इसे आपको जैसे आपको यहाँ पे कौन है आपकी? मेरी बेटी है। बेटी को सिखा रहे? हाँ। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। और उन लोगों को खास करके बच्चों लोगों को, उन लोगों का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ये जब ये आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग ऐसे चीज में व्यस्त रहने से उन लोगों का कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है और पढ़ाई में भी इनका पॉजिटिव इम्पेक्ट होता है। ठीक है, धन्यवाद। वहाँ देख रहे हैं दर्शक कि यहाँ पे बच्चे, नन्हे मुन्हे बच्चे यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट पॉट डिजाइन के साथ ही पेपर का डिजाइन करने में व्यस्त है। नको मी हिंदी सिंधी नाही नको मात्र कॅमेरा चली बोया कॅमेरा चली